नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शांति समिति की हुई बैठक लिए गए कई निर्णय। रायसेन में रामनवमी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें नायब तहसीलदार, थाना कोतवाली प्रभारी संदीप चौरसिया, हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार कमेटी सहित कई हिंदू संगठन एवं शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए, जिसमें कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए। इसी बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पिछले दिनों रायसेन के समीप गोवंश के अवशेष मिले थे। हालांकि रायसेन पुलिस द्वारा उन आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद के मंत्री बद्री प्रसाद ने मांग रखी कि गोवंश के हत्यारों पर NSA लगाया जाए और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। रायसेन में रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस हेतु आज पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें हिंदू समिति, मुस्लिम त्यौहार कमेटी एवं शहर के कई गणमान्य नागरिक पधारे और इसमें कई निर्णय लिए गए। शांति समिति की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं? शांति समिति की बैठक में रूट के संबंध में एवं बिजली के तारों के संबंध में लोगों द्वारा कुछ आपत्तियाँ व्यक्त की गई थी, तो MPEB के और BWD NDM शाखा से बात करके उनके निराकरण का आश्वासन दिया गया है और रूट क्लियर है पूरा पहले से। सर, पुलिस द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? आज शांति समिति की बैठक इस उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि सर्वधर्म समभाव जो सभी मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, इसी सभी पार्टी को बरकरार रखते हुए यहाँ पे रामनवमी का जुलूस सभी निकालें, तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने एक साथ इस त्यौहार को रामनवमी के त्यौहार को मनाने के लिए सहमति व्यक्त किए और सभी से जो अपेक्षित सहयोग हुआ वो सहयोग प्रदान करने के लिए सभी ने अपना बोला गया है सभी के द्वारा। तो पुलिस द्वारा जो रूट है वहाँ पर जो यदि वाहन पहले से रखे गए हैं तो उनको हटाया जाएगा, कोई अन्य जो बाधा है जैसे इलेक्ट्रिक वायर वगैरह, तो इसके संबंध में MPEB को निर्देश तहसीलदार साहब और आदि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी दिए गए, जिसका मतलब रूट क्लियर करा के और व्यवस्थित रैली जुलूस निकालने की पूरी व्यवस्था कराई। दिन जो पौड़ी में घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन ने जो अपराधियों को पकड़ा है उसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ की हम मीडिया के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को जो अपराधी हैं उनके मकान जो है तोड़े जाए, उन पर NSA लगाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि रायसेन में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम है आपका? मैं बद्री पारा साहब, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद रायसेन।